क्या हालचाल है भाई लोग, सेट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर एंड एन इंस्पिरेशनल आर्टिस्ट ऑफ आवर जनरेशन द लेट ग्रेट निप्सी हसल के बारे में। निप्सी हसल एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एंड गेम चेंजिंग आर्टिस्ट है जिन्होंने ऐसे सिचुएशन से कम अप किया है जहां ज्यादातर लोग जेल जाते हैं या हार मान लेते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे वो म्यूजिक में आए एंड कैसे वो सीन में इतने इंपैक्टफुल आर्टिस्ट बने। निप्सी हसल एक क्रिप गैंग मेंबर है एंड उनके क्रिप गैंग का नाम है रोलिंग 60s क्रिप, जो बेसिकली क्रेंशो लॉस एंजलिस में बेस्ड है। निप्सी ने हमेशा हार्डवर्क किया है इवन म्यूजिक में आने से पहले ही। उनकी क्लोथिंग लाइन गैंग कनेक्शंस एंड 31 मार्च 2019 को उनकी गोली मारकर हत्या करने तक की स्टोरी आज हम कवर करेंगे। ये एक ट्रिब्यूट वीडियो है निप्सी हसल और उनके फैंस के लिए इंक्लूडिंग मी, बिकॉज मैं निप्सी हसल का म्यूजिक बहुत पहले से सुनता हुआ आ रहा हूं एंड अपने चैनल की कम्युनिटी टैब पोल पे सबसे ज्यादा वोट्स निप्सी हसल की बायोग्राफी के लिए ही आया था। पर जल्द ही हम ट्रिपी रेड और YNM मेली पे भी वीडियो लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना मत भूलना। अपना वीडियो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा, निप्सी की पूरी बायोग्राफी, इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स और कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउटआउट मिलेगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं IPL शुरू हो चुका है, तो मैच तो हम घर बैठ के एंजॉय करेंगे ही, पर अगर मैं आपको कहूं कि यही क्रिकेट स्किल्स आपको जिता सकती है 10 करोड़ तक की विनिंग्स। जी हां, ठीक सुना आपने, आप इस T20 सीजन जीत सकते हो अप टू 10 करोड़ प्लेयर स्पॉट ऐप पे। तो बनो इस सीजन के विनर और चैलेंज करो मुझे इंडिया के नए मैदान में। प्लेयर स्पोर्ट पर अपनी क्रिकेट टीम बनाओ और ज्वाइन करो लीग्स। और इस इंडियन प्लेयर स्पोर्ट लीग में तो प्लेयर स्पोर्ट पर 10 लाख की ग्रैंड लीग में आपको फ्री एंट्री मिल रही है एंड उसी के साथ 1.20 करोड़ का लीडरबोर्ड और BMW बाइक, ऐसे बहुत से प्राइजेस जीतने का मौका। तो अब ग्रैंड लीग जीतना है तो प्लेयर स्पोर्ट पर ही खेलना है। अब अगर फैंटेसी स्पोर्ट से हटके बात करें तो यहाँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट गेम है लूडो। अब प्लेयर स्पोर्ट में खेलने के कुछ फायदे हैं, 100% सिक्योर मेड इन इंडिया ऐप है, तो मान लो आपके पैसे सेफ है। और दूसरी बात, 7 मिलियन प्लस यूजर्स इस ऐप पे रोज खेलते हैं। तीसरी और सबसे बड़े मुद्दे की बात, इजी विड्रॉवल्स विद नो KYC। तो यहाँ काफी सारी गेम्स जैसे स्नेक एंड लैडर्स, शीप फाइट, हाउस क्विज, चेस भी खेल सकते हो आप। तो अब इतने सारे गेम्स और इतने सारे विनिंग्स, तो कोई और ऐप पर क्यों जाना। और अब तो प्लेयर स्पोर्ट पे आ चुका है उनका नया रमी गेम, तो अभी डाउनलोड करो प्लेयर स्पोर्ट और यूज करो मेरा रेफरल कोड Plays200, जिससे आपको मिलेगा ₹200 का फ्री साइन अप बोनस। तो आओ चैलेंज करो मुझे और हो जाए एक लूडो गेम। डाउनलोड लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो शॉर्ट आउट के लिए, तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो इसी के साथ चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं द लेट ग्रेट निप्सी हसल की बायोग्राफी। निप्सी हसल, जिनका असली नाम है एयरमिस जोसेफ एस्केडम, इनका जन्म हुआ था अगस्त 15, 1985 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। निप्सी का कम अप क्रेंशो नेबरहुड में ही हुआ है एंड उनके मॉम डैड स्प्लिट हो गए थे जब वो 3 साल के थे। तो निप्सी ने अपना बचपन उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही बिताया था एंड बचपन से ही निप्सी काफी इंटरेस्टेड थे रैप में और वो काफी रेडियो सुनते थे एंड रैप एल्बम्स और मैगजीन्स खरीदते थे। एंड उस यंग एज में ही निप्सी ने रैप करना शुरू कर दिया था एंड स्नूप डॉग और डॉक्टर ड्रे के गानों के बीट्स पे वो रैप लिखा करते थे। एंड 12 साल की उम्र में वो ओरिजिनल बीट्स पे फोकस करने लगे एंड एक छोटा क्रू भी फॉर्म कर लिया था उन्होंने। 13 साल की उम्र से ही निप्सी स्टूडियो वगैरह जाने लगे जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआती गाने रिकॉर्ड किए एंड उनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स से जितना भी पॉकेट मनी मिलता था वो स्टूडियो जाते थे उन पैसों से। निप्सी ने अपना स्टेज नेम कॉमेडियन एंड एक्टर निप्सी रसल से इन्फ्लुएंस होकर रखा था, जो कि समझ लो एक टाइम पे एक बहुत इन्फ्लुएंसिंग ब्लैक एंटरटेनर थे। 14 साल की उम्र से ही निप्सी फैसिनेटेड हो गए थे महंगे शूज एंड क्लोथ से, जैसे हर दूसरा बच्चा चाहता है। पर निप्सी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी, मींस रहने खाने को सब था, बट ये सब चीजों के लिए उन्हें स्ट्रीट लाइफ चुनना पड़ा। महज 15 साल की उम्र में ही उन्होंने क्रिप गैंग ज्वाइन कर लिया था जिसका नाम था रोलिंग 60s क्रिप्स एंड काफी बड़ी गैंग है लॉस एंजलिस में, और जल्दी हम क्रिप गैंग के ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे। एंड वहां से उनकी हसल चालू हो गई एंड वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे और गैंग बैंगिंग एंड ड्रग डीलिंग वगैरह शुरू कर दी। एंड निप्सी काफी सही पैसे बनाने लग गए थे एंड वो हर एक चीज खरीद पा रहे थे जो उस टाइम पे 14-15 साल के बच्चे का ड्रीम होता है। अब मिडिल स्कूल में निप्सी ने अपने आप को बास्केटबॉल में एनरोल किया, बट उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे सो इसलिए उन्हें बास्केटबॉल खेलने अलाउ नहीं किया गया। निप्सी की मॉम उन्हें पढ़ाई पे फोकस करने और स्कूल में ध्यान लगाने पे जोर देती थी, बट निप्सी ऑलरेडी स्ट्रीट कल्चर में आ गए थे एंड इवन पैसे भी बना रहे थे। एंड एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी है कि वो उस छोटी उम्र में ही मर्डर, पुलिस एंड जेल वगैरह बहुत करीब से देखा है और ये बिजनेस मेंटालिटी उनकी पहले से ही थी एंड एक हसलर तो थे ही एंड म्यूजिक में आने से पहले वो $1,000 कमा रहे थे एंड काफी रेस्पेक्टेड भी थे स्ट्रीट्स में। सो ऐसा बहुत कम होता है कि एक बंदा स्ट्रीट लाइफ एंड बिजनेस विजन एक साथ लेके चल रहा हो, सो इसलिए वो इतने इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट बने आगे जाके। I was just full-time hustling and part-time rapping. Like, I always had a passion for rap music. And I was always trying to create the situation
to where I could do this for. Nipsey को अपने स्कूल से निकाल दिया था हायर ग्रेड में, cause उन पे और उनके कुछ फ्रेंड्स पे चोरी करने का एलिगेशन लगा था स्कूल के कंप्यूटर लैब से, पर इसमें निप्सी हसल इन्वॉल्व नहीं थे, बट वो गैंग में है तो स्निच तो नहीं कर सकते थे वो. सो इस वजह से निप्सी को जुवेनाइल सेंटर यानी बच्चों के जेल जाना पड़ा कुछ टाइम के लिए. बट निप्सी तो हार मानने से रहे एंड उन्हें अपने एजुकेशन कंटिन्यू रखना था एनी हाउ. सो वो कम्युनिटी कॉलेज में एनरोल हुए जहाँ वो इंग्लिश साइकोलॉजी एंड फिलोसफी की पढ़ाई की, एंड ये चीजें उनके रैप के लिखावट में भी दिखा आगे जाके. पर म्यूजिक से उनके पैशन के चलते उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया एंड फुल टाइम म्यूजिक करने लगे. लेकिन वो म्यूजिक के साथ ही ड्रग डीलिंग एंड और भी नेगेटिव चीजों में लगे थे, पर वो समझ गए थे कि अगर लाइफ ऐसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे तो सही नहीं रहेगा. मीनवाइल वो काफी पॉपुलर थे एलए में बिकॉज उनके क्रिप गैंग कनेक्शन के वजह से. अब धीरे धीरे वो अपने म्यूजिक से भी काफी बस बनाने लगे. निप्सी ने फिर एक बड़ा कदम लिया, उन्होंने अपने सारे कार्स एंड ज्वेलरीज जो उन्होंने इलीगल काम से कमाए थे वो सब बेच के स्टूडियो में इन्वेस्ट किया और एकदम हाईटेक महंगे इक्विपमेंट्स लिए. तो ये था गाइस उनका पैशन म्यूजिक के लिए कि उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया एंड फुल टाइम फुल फोर्स में म्यूजिक में आ गए. निप्सी हसल ने अपना पहला मिक्सटेप स्लोसन बॉयज वॉल्यूम 1 ड्रॉप किया 2005 में, जो आगे जाके उनका पहला रिकॉर्ड लेबल का नाम बना. एंड स्लोसन बॉय रिकॉर्ड्स बनाने के बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन डील मिला उन्हें, और वो तब सिर्फ 18 साल के थे. एंड इससे ये पता चलता है कि वो काफी यंग एज से ही एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे थे. And what they is, they like the number one online digital content distributor. They actually bought us out. सन 2007 में उन्होंने Born Thugs and Harmony के शॉर्ट फिल्म में एक छोटा सा रोल भी प्ले किया था. I've been busy, dog. Busy. Too busy to pay my sister some. निप्सी ने अपना हसल कंटिन्यू रखा और अपने मिक्सटेप वगैरह स्ट्रीट्स में जाके बेचने लगे, मींस नेक्स्ट लेवल हसल. एंड फिर वो छोटे मोटे और भी कई रोल्स में अपीयर होने लगे कई मूवीज में. How you been, son? And I'm son, me. मीनवाइल बड़े बड़े आर्टिस्ट से भी निप्सी की पहचान होने लगी थी. 2017 में निप्सी के भाई के एक केस के चलते निप्सी के स्टूडियो में रेड मारा था पुलिस ने, जहां पुलिस वालों को बहुत सारे महंगे महंगे स्टूडियो इक्विपमेंट्स मिले थे जो पुलिस ने सील कर दिया, क्योंकि ये इक्विपमेंट्स के पैसे ऑब्वियसली इलीगल वे से ही आए थे. एंड निप्सी असल को इसके चलते कुछ दिन जेल में जाना पड़ा. उसके बाद निप्सी वापस से जीरो पे आ गए थे. एंड जेल से बाहर आने के बाद फिर से उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था, कोई स्टूडियो सेटअप भी नहीं था अब उनके पास. बट आगे जाके उन्हें सिनेमैटिक म्यूजिक ग्रुप ने साइन कर लिया एंड सिनेमैटिक म्यूजिक ग्रुप से मिले हुए पैसों से उन्होंने एक वकील हायर किया एंड कुछ दिन के लिए वो जमैका चले गए, जहां उनके रिलेटिव्स रहते थे क्योंकि उनके पिता जमैका से ही बिलोंग करते थे. I started off on a run. I signed my deal on a run. Went to Jamaica, came back to LA, went to jail, got out, and then went to New York and started what's going on right now. जमैका में अपने फैमिली रूट्स डिस्कवर करने के बाद निप्सी वापस आए. फिर 2008 में निप्सी ने दो मिक्सटेप निकाले, बुलेट एंग आर नो नेम्स वॉल्यूम 1 and 2. एंड सेकंड वॉल्यूम में एक बीट कान्ये का था एंड वो गाने का नाम था ऑल फॉर द डो. एंड उनका मेजर लेबल डेब्यू सॉन्ग था हसल इन द हाउस. हसल इन द हाउस गाना काफी हिट हुआ निप्सी का एंड रेडियो प्लेस भी मिल रहे थे अच्छे खासे. लेकिन कुछ एलिगेशन ये लग रहे थे निप्सी पे कि निप्सी हसल जो है वो गैंग कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, सो वो गाने को रेडियो प्लेस वगैरह कम मिलने लगे. उसके बाद निप्सी ने ड्रेक के साथ उनके एल्बम सो फार गॉन में कोलैब किया था एंड ड्रेक ने इवन तब ट्वीट भी किया था निप्सी हसल के बारे में. देन बैक टू बैक काम मिला निप्सी को, वो स्नूप डॉग के साथ उनके गाने अपसाइड डाउन में फीचर हुए और पहले ज्यादातर लोगों को लगता था निप्सी हसल जो है वो स्नूप डॉग के रिलेटिव होंगे, बिकॉज निप्सी हसल थोड़े बहुत स्नूप डॉग जैसे ही लगते थे. और इत्तेफाक से स्नूप और निप्सी दोनों ही क्रिप गैंग से बिलोंग करते हैं और इवन स्नूप डॉग ये चाहते थे कि स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्प्टन मूवी में निप्सी हसल ही स्नूप डॉग का रोल प्ले करे, बट ये ऑफर निप्सी हसल ने रिजेक्ट कर दिया था. द गेम के साथ भी अच्छे रिश्ते रहे हैं निप्सी के, इवन तो दोनों अलग अलग गैंग से बिलोंग करते हैं. एंड द गेम के साथ एलएक्स टूर पे भी गए थे निप्सी हसल. 2010 में डबल एक्सएल मैगजीन के फ्रेशमैन क्लास लिस्ट में निप्सी हसल भी फीचर हुए थे, जिसमें उनके साथ थे जे कोल और विज खलीफा वगैरह. उसके बाद अपने लेबल सिनेमैटिक म्यूजिक ग्रुप से अलग होने के बाद निप्सी हसल ने दोबारा अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल फॉर्म किया, जिसका नाम था ऑल मनी इन. फिर उन्होंने बैक टू बैक दो प्रोजेक्ट्स निकाले, जो था मैराथन एंड मैराथन कंटिन्यूस. एंड देन निप्सी ने ग्रैंड मूव किया, उन्होंने अपना नेक्स्ट मिक्सटेप जिसका नाम था क्रेंशो उसको $100 में बेचा, जो कि काफी महंगा था एंड सिर्फ 1000 कॉपीज अवेलेबल थी एंड उसमें से जेजी ने 100 कॉपीज लिए थे. ये एक्चुअली एक मूवमेंट था ताकि वो अपने इंडिपेंडेंट हसल को आगे बढ़ाए. 2017 में उन्होंने खुद का क्लोथिंग लाइन खोला, द मैराथन क्लोथिंग, एंड निप्सी एक्ट्रेस एंड मॉडल लॉरेन लंडन के साथ रिलेशनशिप में आए. 2018 में अटलांटिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर निप्सी ने अपने एल्बम विक्ट्री लैब रिलीज किया एंड ये एल्बम सीधा नंबर 4 पे पहुंचा बिलबोर्ड टॉप 100 पे. एंड इवन ये एल्बम ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हो चुका है एंड काफी क्रिटिकली अक्लेम्ड एल्बम है ये. एंड मार्च 31st 2019 को जब वो अपने क्लोथिंग
क्लोथिंग स्टोर के बाहर थे तो उन पे गोलियां चली और 10 गोली लगी थी उनको एंड तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। उनको क्रिप गैंग के ही एक मेंबर ने मारा था, को स्निप्सी ने उस बंदे को एक्सपोज किया था कि वो एक स्निच है और पुलिस से मिला हुआ है। सो इस तरह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट एंड हसलर निप्सी हसल को हमें खोना पड़ा। गन शूटिंग से कई रैपर्स की जान गई है यूएसए में, जैसे टूपाक, एक्सएसएस टेंटेशन, डोला, पॉप स्मोक एक्सेट्रा। मे गॉड ब्लेस ऑल देयर सोल्स एंड होपफुली ये वर्ल्ड एक पीसफुल जगह बने जहां इंसानियत की कीमत हो। निप्सी के बहुत फैंस है एंड इवन उनके फ्यूनरल सर्विस में भी बहुत फैंस आए थे। सैडली निप्सी हसल ने इस दुनिया से विदा लिया, पर उनकी लेगेसी चलती रहेगी। मे द मैराथन कंटिन्यूज फॉरएवर। इसी के साथ निप्सी की बायोग्राफी यही खत्म होती है। अब मैं जल्दी से आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूं। ड्रेक की एल्बम सर्टिफाइड लवर बॉय 1 बिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है स्पॉटिफाई पे एंड लिल वेन और रिच द किड का कोलैब एल्बम ट्रस्ट फंड बेबीज रिलीज हो चुका है एंड एमवे की एल्बम मालूम है ना आईट्यून्स पे टॉप कर रहा है सर्टिफाइड लवर बॉय डोंडा दिस थिंग हैपेंस 2 के बाद 4th नंबर पे, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग। तो अब बारी है शॉट आउट की। तो आज का शॉट आउट जाता है सभी निप्सी हसल के फैंस को जिन्होंने मुझे निप्सी हसल की बायोग्राफी का बोला था। सो शॉट आउट टू टैटू आर्टिस्ट दीपक सबकले एके ब्लू इंक टैटूज, जो कि निप्सी हसल के कट्टर फैन है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट हिम फॉर हिप हॉप टैटूज। अब है असुर वर्ल्ड, इनके चैनल पे काफी अच्छे बीट्स है तो सभी रैपर्स भाई लोग चेक मारना एंड अपने आर्टिस्ट कुणाल मलिक का नया गाना बता दे 9 अक्टूबर को आ रहा है तो सपोर्ट करना भाई को और गाना आते ही मैं शेयर कर दूंगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एमसी तथागत जिनका गाना सलाखें चेक मारना। गाइस मेरा गला बैठा हुआ है एंड नाक बंद है तो अगर मेरी आवाज इस वीडियो में अलग आई हो तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर प्लेयर स्पॉट ऐप। और आज का एपिसोड यही खत्म होता है और अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।